पूरी तरह से तैयार होने के बाद कुछ इस तरह हमारा चॉकलेट पीनट बटर लग रहा है, जो कि बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। पीनट बटर के कितने सारे फायदे हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, पर अक्सर जेब खर्च कम होने के कारण या आपने अभी नई नई जिम ज्वाइन की है और आपके घर वाले डाइट के लिए नहीं मान रहे, तो इन सब कारणों की वजह से आप पीनट बटर नहीं खा पाते। लेकिन अगर हम बात करें चॉकलेट पीनट बटर की, तो सिंपल पीनट बटर तो फिर भी थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड पीनट बटर और ये चॉकलेट पीनट बटर जितने भी ये सारे हैं, ये सारे काफी महंगे आते हैं, जिसके कारण टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन को पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको चॉकलेट पीनट बटर की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जिसमें मात्र आपका 20 से 50 रुपए का खर्चा आएगा। तो चलिए पीनट बटर बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली गिरी, पिसा हुआ गुड़, खाना बनाने वाला ऑयल, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा कोकोआ पाउडर। सबसे पहले तो हमें मूंगफली गिरी को 4 से 5 मिनट तक गैस पे भूनना है, ताकि इसके ऊपर का छिलका आसानी से उतर सके। एक चीज का खास ध्यान रखना कि जब इसको गर्म करोगे तब इसको धीमी आंच पे गर्म करना है, तेज करके गर्म मत करना, नहीं तो ये सारी मूंगफली गिरी जल जाएगी। और जब मूंगफली के ऊपर का छिलका उतरने लग जाए तो उस सारी मूंगफली को किसी बड़े बर्तन में डाल लेना और एक साफ कपड़ा लेके इस तरह पूरी मूंगफली गिरी के ऊपर से छिलके को उतार देना। तो छिलका उतारने के बाद मैंने मूंगफली गिरी को वापस इस बर्तन में डाल लिया। अब इन पीनट्स को मिक्सी में डाल देना है और साथ में डालना है आधा चम्मच नमक और अब इसको 12 से 15 सेकंड तक ग्राइंड करना है। तो 12 से 15 सेकंड ग्राइंड करने के बाद ऐसी पेस्ट बन जाएगी। अब इसमें हमें डालना है पिसा हुआ गुड़। हमारे घरों में आम जो सिंपल गुड़ होता है और ये जो पिसा हुआ गुड़ है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल गुड़ को किसी कपड़े में डाल के किसी बेलन से या किसी चीज से उसको कूट के पीस लेना, बस वही पिसा हुआ गुड़ है। बस पीस के वो लगभग आधी कटोरी हो जाए, वो इसमें डाल लेना। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच खाना बनाने वाला ऑयल, साथ ही में डालेंगे 4 चम्मच शहद के, और अब हमें इसको करना है ग्राइंड। इसको ग्राइंड करते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करना, एकदम से ऐसे नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट लगातार इसको ग्राइंड चला के छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5-10 सेकंड चलाया, 15 सेकंड चलाया, फिर बंद कर दिया, 15 सेकंड चलाया, फिर बंद कर दिया। बीच बीच में चेक करते रहना कि ये कितना क्रीमी हो रहा है। तो जब इस तरह की पेस्ट बन के तैयार हो जाएगी, फिर हमें इसमें लास्ट एंड फाइनल डालना है 3 चम्मच कोकोआ पाउडर। अब फाइनली इन सबको हमें कर देना है मिक्स। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो हमारा 99% काम पूरा हो चुका है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके लगभग 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इस सारे पीनट बटर को किसी कंटेनर में निकाल के रखना है और 5 से 6 घंटे तक उसके बीच में ही छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर का जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा और हमारा पीनट बटर खाने के लायक हो जाएगा। तो मैं फटाफट ये सारे पीनट बटर को कंटेनर में डाल के छोड़ देता हूँ। So finally, हमारा पीनट बटर बनके तैयार हो चुका है। लेकिन इसको दिखाने से पहले एक जरूरी बात कि जब मैंने इसको 5-6 घंटे के बाद खोल के देखा, तब ये मेरे को थोड़ा क्रंची लग रहा था, पूरी तरह से क्रीमी नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको दोबारा मिक्सी में डाल लिया और आधे चम्मच से भी कम इसमें कुकिंग ऑयल डाला और 1 चम्मच शहद डाल के इसको दोबारा ग्राइंड कर दिया। फिर जो रिजल्ट निकल गया वो आपके सामने ये है। तो पूरी तरह से तैयार होने के बाद कुछ इस तरह हमारा चॉकलेट पीनट बटर लग रहा है, जो कि बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। सो फाइनली अब हम करेंगे इसको टेस्ट। मैं इसको ब्राउन ब्रेड पे लगा के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला, तो इसलिए नॉर्मल पीनट बटर से थोड़ा सा हार्ड होगा। अब हम करते हैं इसको ट्राई कि कैसा बना है। तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। अब बाजार वाला में ट्राई करोगे तो एक बार में तो उससे भी अच्छा है। तो गाइस, हमने इसको पूरी तरह से नेचुरल बनाया और इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला, तो ये 28 दिन से 1 महीने तक तो बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। और अगर आपको इस पीनट बटर बनाने की रेसिपी पसंद आई तो प्रेस हिट द लाइक बटन। फिटनेस से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।